हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आशी। आज हम अपने चैनल पर बनाने जा रहे हैं एक न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस पिज़्ज़ा में भी यूज़ होता है और बहुत सारी रेसिपीज़ में पिज़्ज़ा सॉस यूज़ होता है, लेकिन बाहर से लेने के बजाय अगर हम इसको घर पर ही तैयार कर लें तो कितनी ही अच्छी बात है, और बचत भी हो जाएगी आजकल की महंगाई के दौर में। तो रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा सॉस लेना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्यों ना इसको हम घर में ही बनाना आपको सिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मैंने सबसे पहले ले लिए हैं जी लहसुन। लहसुन के मैंने कुछ जवे ले लिए हैं चार, और एक मैंने लिया सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा मैंने लिया है, थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा लिया है, और एक मैंने लिया है जी प्याज जिसको मैंने काट लिया है, और चार जो है ये टमाटर मैंने लिए हैं तीन छोटे छोटे, उनको मैंने दरमियान से काट के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। साथ ही हमें चाहिए सिरका, विनेगर और चिली सॉस और जी सोया सॉस और केचप और ऑयल। ठीक है, तो अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन और फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाना शुरू करते हैं। जी जनाब, तो पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और इसमें हम अब डाल देंगे लहसुन। ऐसे ही हम इसको डाल देंगे जवे लहसुन के, और हम डालेंगे इसमें प्याज, और अदरक और सब्ज़ मिर्च। इनको बस हमने थोड़ा सा ही लाइट सा फ्राई करना है क्योंकि बाद में हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड करने वाले हैं। तो साथ ही अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे अपने, ताकि ये भी साथ साथ फ्राई हो जाएं। अब हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, बस इनको हमने थोड़ा सा ही फ्राई करना है, फिर हम इसको करेंगे ग्राइंड। जी तो हमारी चीज़ें अब तकरीबन थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको करते हैं ग्राइंड। जी तो अब हम ये सारा मटेरियल डालेंगे ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड कर लेंगे। जी तो ब्लेंडर में मैंने इनको डाल लिया, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। जी तो हमारी सारी चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं, अब इन सब चीज़ों को वापस अपने पैन में डालेंगे। जी तो इस तरह से अब हम सबको वापस पैन में डाल देंगे। जी तो मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें ऐड कर लिया है ताकि हमारे पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाए। जी तो अब हम इस मिक्सचर में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। अब हम इन सबको करेंगे मिक्स। पिज़्ज़ा सॉस बस हमारी रेडी होने वाली है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा इसमें अब डालेंगे हम चिली सॉस, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सिरका यानी कि विनेगर। अब जो है हम लास्ट में इसमें डालेंगे केचप। केचप हम डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, इसमें हम केचप ऐड करेंगे। जी तो हमारी पिज़्ज़ा सॉस अब बिल्कुल रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल बेहतरीन सी पिज़्ज़ा सॉस हमने खुद ही घर में तैयार कर ली है। जी तो जनाब, हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहें तो इसको पिज़्ज़ा पर लगा के खा सकते हैं, या फिर आप इसको कटलेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी और पिज़्ज़ा की स्टफिंग में आप इस सॉस का यूज़ कर सकते हैं, पास्ता में यूज़ कर सकते हैं। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है जो कि झटपट बस 5 मिनट में तैयार हो जाती है, और बाहर से बाज़ार की
तो खालिस भी नहीं होती जो आप लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार की चीज़ें लेने से। अच्छा है कि हम उनको घर में बनाएं। तो इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।